तो अगर आपको एक बेस्ट यूवी प्लस यूएफ वाटर प्योरीफायर लेना है तो आपने जरूर कैंट मैक्स एंड कैंट अल्ट्रा स्टोरेज वाटर प्योरीफायर का नाम तो सुना ही होगा। यूट्यूब की हर बेस्ट वाटर प्योरीफायर वाली वीडियो में आपको ये वाले वाटर प्योरीफायर जरूर मिलेंगे, बट जो नहीं मिलेगा वो है क्लियर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो आपको सिर्फ सुमित वाईपीएफ चैनल पे हमेशा मिलेगा। विच मीन्स ये दोनों प्योरीफायर कैंट के हैं, इनकी जो प्राइसिंग है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में जो प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो भी बिल्कुल सेम हो यूज़ हुई हैं। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है डिज़ाइन में। ऐसा हर सो कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च एक्सपर्ट्स यूट्यूबर का कहना है, क्योंकि इनके पास यहाँ पे ब्रांड डील्स हैं एंड साथ में बेवकूफ व्यूअर्स, एंड दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों को ही वीडियो में मार्केटिंग करने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। इसलिए तो इनके लिए यहाँ पे क्लियर विनर है कैंट मैक्स वाटर प्योरीफायर ओवर कैंट अल्ट्रा स्टोरेज। तभी तो आपको इनकी सो कॉल्ड बेस्ट वाटर प्योरीफायर वाली वीडियोस में सिर्फ कैंट मैक्स का नाम मिलेगा। नाउ अब जागरूकता अभियान बहुत होगी, अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि दोनों में से बेस्ट कौन है एंड क्यों। वैसे क्यों से इतना फर्क पड़ता नहीं है, तभी तो अपने इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं। एनीवेज आप ये देखो कैंट मैक्स का वाटर फ्लो डायग्राम और यू कैन से फिल्टर डायग्राम, एंड अब देखो कैंट अल्ट्रा का फिल्टर डायग्राम। जैसा कि आप इन दोनों में देख सकते हो, इसमें सेम फोर स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, यूएफ फिल्टर एंड यूवी चेंबर। लेकिन इन दोनों प्योरीफायर की जो फिल्टर प्लेसमेंट है वो बिल्कुल अलग है। मैक्स में यूएफ फिल्टर लास्ट स्टेज में यूज़ किया गया है, वहीं यहाँ पे जो अल्ट्रा मॉडल है उसमें यूएफ फिल्टर स्टार्टिंग में जस्ट आफ्टर सेडिमेंट फिल्टर यूज़ किया है। और यहाँ मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मैं बेस्ट फिल्टर प्लेसमेंट मानता हूँ वो ये होनी चाहिए एक यूएफ एंड यूवी वाटर प्योरीफायर में, क्योंकि इस फिल्टर प्लेसमेंट में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में सेडिमेंट फिल्टर के थ्रू सेडिमेंट्स और यू कैन से सस्पेंडेड सॉलिड्स निकल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक डस्ट, डर्ट, सैंड, स्लिट, क्ले, मड एक्सेट्रा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाटर में से पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स एब्जॉर्ब कर लेगा लाइक क्लोरीन। फिर थर्ड स्टेज में यूवी चेंबर में आके वाटर में से जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं वो किल हो जाएंगे, एंड फिर लास्ट स्टेज में यूएफ फिल्टर से पानी में से कोलाइड्स, टर्बिडिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल जाएंगे, एंड साथ ही में जो वायरस एंड बैक्टीरिया यूवी ने किल किया था उनकी बॉडीज भी वाटर में से निकल जाएंगी। और बाय चांस यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड सेडिमेंट्स यहाँ पे कुछ रह जाते हैं सेडिमेंट फिल्टर से, एंड इसी तरीके से अगर कुछ पेस्टिसाइड्स या केमिकल एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से रह जाते हैं तो उन सब को भी ये यूएफ फिल्टर अलग कर देगा अपने वाटर में से, एंड फिर उसके बाद आपको प्योरीफाइड वाटर मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ इस फिल्टर प्लेसमेंट में यूएफ फिल्टर जस्ट आफ्टर सेडिमेंट फिल्टर यूज़ हुआ है, जिसके वजह से सारी इम्प्योरिटीज यूएफ फिल्टर में ही ट्रैप हो जाएंगी विद वायरस एंड बैक्टीरियाज, जिससे यहाँ पे जो यूएफ फिल्टर की लाइफ है वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस फिल्टर प्लेसमेंट। और वैसे ये जो फिल्टर प्लेसमेंट्स होती हैं इनसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तभी यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो अपने डिफरेंट मॉडल्स में ये जो फिल्टर प्लेसमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट करती रहती हैं। और वैसे भी एक बार फिल्टर अपने हाथ में आ गया फिर अपनी मर्जी आपको कैसे रखना है। बाकी सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो वो है इनके यूएफ फिल्टर में, जैसा कि आप इनके स्पेयर पार्ट नंबर से भी देख सकते हो इन फिल्टर डायग्राम में। मैक्स वाटर प्योरीफायर में एक अप्रॉक्स 4 इंच का यूएफ फिल्टर यूज़ किया है, जिसका जो पोर साइज है वो है ओनली 0.1 माइक्रोन का, और वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रा स्टोरेज मॉडल में यूज़ किया है एक फुल साइज़ का यूएफ फिल्टर जिसका पोर साइज है 0.01 माइक्रोन का, जो कि 10 टाइम्स स्मॉलर है अपने मैक्स वाले यूएफ फिल्टर से। विच मीन्स अल्ट्रा स्टोरेज मॉडल यहाँ पे मैक्स के कंपैरिजन में 10 टाइम्स स्मॉलर इम्प्योरिटीज़ को भी वाटर में से निकाल सकता है। यहाँ मैक्स वाटर प्योरीफायर का यूएफ फिल्टर बिल्कुल एच पे खेल रहा है और वहीं अल्ट्रा स्टोरेज मॉडल का बिल्कुल फुल फॉर्म में। यानी कि अकॉर्डिंग टू मैनी रेप्यूटेड वेबसाइट्स एक यूएफ फिल्टर को यूएफ फिल्टर कहलाने के लिए एटलीस्ट 0.1 माइक्रोन का पोर साइज होना चाहिए। अगर इससे बड़ा पोर साइज होता है तो यहाँ पे ये एमएफ वाली कैटेगरी में चले जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से ये कंक्लूड करना गलत नहीं होगा कि अल्ट्रा स्टोरेज मॉडल में एक बेटर यूएफ मेम्ब्रेन यूज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू मैक्स मॉडल। बाकी ज़्यादा आइडिया इम्प्योरिटीज़ के रिगार्डिंग आप इस डायग्राम से ले सकते हैं। नाउ अब थर्ड डिफरेंस को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना।
बाकी अगर आप फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में अगर इस टाइप के अनबायस्ड अनपेड प्रॉपर स्ट्रक्चर कंप्लीट कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की मेरी एफिलिएट लिंक्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसके थ्रू अगर आप अपनी परचेस कंप्लीट करते हो तो आप इस चैनल को कंटिन्यू रख पाओगे बिना एक भी पैसा खर्च करे हुए। नाउ अब यहाँ पे हम थर्ड चीज़ की बात करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे इनके फिल्टर डायग्राम में नोटिस किया होगा तो आपको अल्ट्रा स्टोरेज मॉडल में एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है जो कि है TDS कंट्रोल वॉल। अब इसको आप RO प्योरीफायर वाला TDS कंट्रोलर वॉल समझ के चिल्लाने मत लगना कि ये तो एक बेकार चीज़ है, ये अपने प्योरीफायर वाटर को गंदा करेगा। ये वो चीज़ नहीं है, नहीं एक्चुअली में ये वही चीज़ है, बट इसका जो यहाँ पे पर्पस है वो डिफरेंट है। इसका पर्पस वाटर को बाईपास करना नहीं है। यहाँ इस अल्ट्रा स्टोरेज प्योरीफायर में इसका काम है वाटर फ्लो को मेंटेन करना, विच मीन सीधी भाषा में आप इसके थ्रू प्योरीफाइड वाटर का फ्लो कम कर सकते हो। लाइक कैंट का कहना है कि ये वाटर प्योरीफायर एक घंटे में 60 लीटर प्योरीफाइड वाटर दे सकता है, लेकिन आपको इतना फास्ट प्योरीफाइड वाटर नहीं चाहिए, जो कि टेक्निकली अच्छा है। यानी कि आप चाहते हो कि इस वाटर प्योरीफायर में जो फिल्टर्स लगे हैं उससे पानी आराम से प्योरीफाइड होके निकले, आपको कोई जल्दी नहीं है, पानी फिल्टर्स के अंदर प्रॉपरली प्योरीफाइड होके निकले। फॉर एग्जांपल मान लो ये हाथ मेरा फ्लोर है, इस पे पानी गिरा हुआ है। अब यहाँ पे मैं स्पंज इतनी स्पीड में मारूं तो इस स्पंज में कितना पानी आएगा। इसी तरह यूवी चेंबर से जो पानी पास हो रहा है उस पे जो यूवी लाइट है वो प्रॉपर एक्सपोज होगी, तो वो अच्छी बात है ना। एंड सेम विथ अवर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, अगर वो वाटर से अच्छे से कॉन्टैक्ट बनाएगा तो वो अच्छा ही होगा। बाकी इन सब के अलावा सबसे बड़ा डिफरेंस, या मैं यूँ कह लूँ कि कैंट मैक्स वाटर प्योरीफायर का सबसे बड़ा प्रो ओवर अल्ट्रा स्टोरेज मॉडल, ये है आपकी स्क्रीन पे डिटैचेबल स्टोरेज टैंक, जो आपको हर यूट्यूबर वेरी गुड थिंग बोल के बताएगा, क्योंकि व्यूअर्स को तो दिख ही नहीं रहा है कि कितनी अच्छी चीज़ है। तभी तो सिर्फ अप्रॉक्स 5% वाटर प्योरीफायर्स में आपको डिटैचेबल वाटर टैंक देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि ये चीज़ आपको मोस्टली 20-25 हज़ार तक के वाटर प्योरीफायर्स में भी देखने के लिए नहीं मिलती। वो बात अलग है कि मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़े, तभी तो मैं जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे मैं भी यूट्यूब के एक्सपर्ट प्रोडक्ट रिसर्चर जैसे सोच पाऊँ। एनीवेज अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो कंप्लीट देख लिया, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस फॉर्मेट में पूछना, आपको अपने कमेंट के रिप्लाई जरूर देखने के लिए मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।